ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 26 मई 2022 की। आज की मुरली में बाबा ने विजय रतन बन विजय माला में पिरोने वाले बच्चों की निशानी सुनाई कि जो बच्चे निश्चय बुद्धि होंगे, जिनको बाबा के हर एक एक महावाक्य पर निश्चय होगा, वही बच्चे विजय माला में पिरो सकेंगे। और निश्चय किन किन बातों में होना चाहिए वह बताया कि उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, परमात्मा हमारा बाप है, राजयोग की शिक्षा देते हैं इसलिए शिक्षक भी हैं, और शांति धाम परम धाम में ले जाएंगे तो सच्चा सतगुरु भी हैं, और निश्चय हो कि अभी हम ब्राह्मण हैं फिर सो हम देवता बनेंगे। तो ऐसे हर एक एक बात में निश्चय होने से ही विजय माला में पिरो सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सच खंड में सदा सुखी बनते हो तो अटेंशन देना पड़े। फिर बाबा ने विजय होने की युक्ति बताते हुए कहा कि राम और रावण दोनों सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। फिर कहा कि यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप की याद द्वारा। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो, निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय न आए। आज मुरली में प्रश्न है, विजय रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने विजय रत्न बनने वाले बच्चों की 3 निशानियाँ सुनाई। पहला, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगे, उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, अब दुखधाम पूरा हो सुखधाम आना है। दूसरा, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे, वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। तीसरा, परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं इसलिए शिक्षक भी हैं, और शांति धाम में ले जाएंगे इसलिए सतगुरु भी हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला, सच खंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है, बाप जो उस्ताद हैं उसकी याद में रहे माया जीत बनना है। दूसरा, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं, ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है, जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती, वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेंगी, वार नहीं करेंगी, हार मानेंगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है, आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। आज का स्लोगन है, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।